दोस्तों, ये क्रेजी फॉर रियलिटी बहुत बढ़िया भाइयों, इसे सब्सक्राइब कर दो। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं मनु आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई ने श्रीसंत पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया था। श्रीसंत ने इसके खिलाफ केरल हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट ने भी इस बैन को बरकरार रखा था। इस मामले में श्रीसंत कुछ समय के लिए जेल भी जा चुके हैं। तो दोस्तों अब देश के सबसे बड़े रियलिटी और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के सीजन 12 में श्रीसंत आए दिन अपनी क्रिकेट लाइफ से जुड़े नए नए खुलासे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हरभजन सिंह के थप्पड़ कांड के बाद में अब श्रीसंत ने मैच फिक्सिंग को लेकर अपना दर्द बयान किया है। दीपिका जसलीन रोमिल के सामने खुद पर लगे मैच फिक्सिंग के आरोपों पर बात कर रहे हैं। इस दौरान श्रीसंत कह रहे होते हैं, ट्यूबलाइट की रोशनी में मुझे नींद नहीं आती थी, मैंने पापा से बड़ा बल्ब मंगवाया, एसी से डर लगने लगा था। जब दीपिका पूछती कि ऐसा क्यों, तब श्रीसंत बताते कि मेरे ऊपर 10 लाख रुपए लेकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया, जबकि फिक्सिंग का कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं पहला क्रिकेटर था जो जेल गया, क्योंकि हर कोई जो गिल्टी होता है अपने आप को बेगुनाह बोलता है। यही प्रॉब्लम है इस दुनिया में, अगर कोई अपने आप को बेगुनाह बोलता है तो लगता है कि वो गिल्टी है, लेकिन मैंने ये नहीं किया। दोस्तों इतना कहते कहते श्रीसंत फूट फूट कर रोने लगते हैं और दीपिका उन्हें संभालती है। कुछ दिनों पहले श्रीसंत ने हरभजन के साथ हुए थप्पड़ कांड का भी खुलासा किया था। मुझे याद है 2008 में जब मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच में चंडीगढ़ में मैच हुआ, तो ये मेरी गलती थी कि मैं थोड़ा सीरियस ले लिया, मैं कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था। उस दिन सच में क्या हुआ जो वीडियो में नहीं देखा होगा मैं बताता हूँ। मैदान में जब मैं भज्जी से हाथ मिलाने गया तो मैंने कहा हार्ड लक भज्जी, इस पर उन्होंने मुझ पर बाईं ओर से चेहरे पर हाथ उठाया, थप्पड़ नहीं मारा, क्योंकि थप्पड़ ऐसे नहीं होता है। अगर मैं चाहता तो उनको वहीं पर दबा देता। अगर वो आदमी पूरे गुस्से में ऐसी हरकत कर सकता है तो आप क्या करेंगे। उस समय मैं हेल्पलेस था और इसी वजह से मैं रोया। खैर दोस्तों, इस शो में आकर श्रीसंत ने अपने जीवन के कई खुलासे किए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नीचे जो ये राइट कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।